वट इज़ अ मैसेज मैसेज होता क्या है उसके बाद मैं आपको बताऊँगी वर्ड शोड अ परफेक्ट मैसेज इनक्ल्यूड कि उसमें क्या क्या आना चाहिए फिर आपको फॉर्मेट डिस्कस करेंगे फॉर्मेट को फॉलो करके ही आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे देन आई विल बी गिविंग यू सैम्पल मैसेजेस फॉर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं और उनको याद करके आप अच्छे से अपना आंसर एग्जाम में लिख पाएंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड मैसेज राइटिंग वट इज द मैसेज मैसेज क्या है अ अ मैसेज इज शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग टू बी सेंड टू द द पीपल हु आर अवे फ्रॉम यू एट मोमेंट ऑफ राइटिंग द मैसेज ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप किसी की एबसेंस में उसके लिए लिखते हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मैसेज एंड अ नोटिस इज द फैक्ट दैट अ नोटिस इज यूज टू गिव फॉर्मल इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेयर एज अ मैसेज इज मेंट टू बी इनफॉर्मल पर्सनल इन्फॉर्मेशन नोटिस ज़्यादा लोगों के लिए फॉर्मल इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखा जाता है जबकि मैसेज पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखा जाता है आइए अब देखते हैं वट डज अ मैसेज इंक्लूड मैसेज में क्या क्या आना चाहिए सबसे पहले बॉक्स नंबर टू मैसेज वर्ड नंबर थ्री डेट देन टाइम फिर रिसीवर का नेम फिर बॉडी ऑफ द मैसेज थ्री टू फोर सेंटेंसेज में एंड लास्ट में सेंडर्स नेम ये सब चीजें मैसेज में आना जरूरी है लेट्स मूव टू फॉर्मेट ऑफ द मैसेज नाउ मैसेज का फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एग्जाम में आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे फॉर्मेट के लिए आई वुड सजेस्ट सबसे पहले तो आप फुल फ्रेश पेज यूज करें उसके बाद उसमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लें और बॉक्स को क्लोज ना करें देन लीव फर्स्ट लाइन पहली लाइन छोड़ दें सेकेंड लाइन के मिडिल में वर्ड मैसेज ब्लॉक लेटर में लिख दें कुछ बच्चे मैसेज को बॉक्स के बाहर लिख देते हैं जो कि रोंग है ये अंदर ही होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मेट का पार्ट है फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ़्ट साइड आप डेट लिखेंगे डेट के बाद आप क्या लिखेंगे टाइम टाइम जिस टाइम आप मैसेज लिख रहे हैं वही टाइम आएगा देन रिसीवर्स नेम रिसीवर कौन होता है रिसीवर आपका जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है उसमें जनरली थ्री पीपल आर इंक्लूडेड तीन लोग होते हैं एक जिसने कॉल किया एक वो जिसने कॉल रिसीव किया और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है अब रिसीवर्स नेम में कौन आएगा वो इंसान जिसके लिए मैसेज लिखा जाएगा या फिर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी देन बॉडी ऑफ द मैसेज बॉडी ऑफ द मैसेज में यू हैव टू राइट थ्री और फोर सेंटेंसेज ओनली क्योंकि वर्ड लिमिट होती है मैसेज की फिफ्टी वर्ड्स इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी है ये तीन से चार सेंटेंस जो आप लिखेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में ही गिवन होती है वहीं से आपको लिखनी है उसके बाद नेम और सिग्नेचर ऑफ पर्सन राइटिंग द मैसेज जिस इंसान ने मैसेज लिखा उसका नेम आएगा वो कौन होगा जिसने कॉल रिसीव की थी यानी कि आप तो इस तरह से फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप बॉक्स को क्लोज कर दीजिए इस तरह से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एग्जाम में आपके इसी फॉर्म में जनरली क्वेश्चन आता है यू आर रजत यू रिसीव अ फोन कॉल फ्रॉम योर फादर्स ऑफिस इन हिज एबसेंस आप रजत हैं ऐसे ही आपको क्वेश्चन में नेम दे दिया जाता है आप के फादर की एबसेंस में एक फोन कॉल आता है और आप उसे रिसीव करते हैं एंड हैव द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद द स्पीकर और आपकी उससे ये बातचीत होती है राइट अ मैसेज आपको एक मैसेज लिखना है फॉर योर फादर अपने फादर के लिए एज यू हैव टू गो फॉर योर ट्यूशंस क्योंकि आपको अभी ट्यूशन पर जाना है पुट द मैसेज इन अ बॉक्स मैसेज लिखने के बाद उस मैसेज को बॉक्स में रखिए क्वेश्चन में दे दिया जाता है अगर नहीं भी दिया जाता है तो फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि नोटिस और मैसेज दोनों ही बॉक्स में लिखे जाते हैं ये कंपल्सरी है क्या कन्वर्सेशन हुई मिस्टर गुप्ता हेलो इज दिस टू फाइव टू फाइव एट सिक्स फाइव फोर यूर सेल्फ यस मे आई नो हु मिस्टर गुप्ता फोन करके पूछते हैं कि क्या ये टू फाइव टू फाइव एट सिक्स फाइव फोर है तो आप ये आंसर करते हैं हाँ क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है मिस्टर गुप्ता आई एम सुरेश गुप्ता मिस्टर गुप्ता बोलते हैं कि मैं सुरेश गुप्ता हूँ कैन आई टॉक टू मिस्टर महाजन क्या मैं मिस्टर महाजन से बात कर सकता हूँ यू आर सेल्फ आई एम अफ्रेड फ्रेंड डैड इज नॉट एट होम आप कहते हैं कि डैडी घर पे नहीं है डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हिम क्या आपको उन्हें कोई मैसेज देना है मिस्टर गुप्ता यस प्लीज टेल हिम दैट द मीटिंग फिक्स फॉर टूम दैट इज ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई हैज बीन कैंसल्ड हाँ कृपया उन्हें ये बता देना कि जो मीटिंग ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई को होनी थी वो कैंसिल हो गई है यू आर सेल्फ ओके एनीथिंग एल्स आप कहते हैं ठीक है और कुछ भी बताना है मिस्टर गुप्ता प्लीज टेल हिम दैट वी शेल लेट हिम नो एज एंड द द नेक्स्ट डेट फॉर मीटिंग कृपया उन्हें ये भी बता देना कि जैसे ही नेक्स्ट डेट मीटिंग के लिए फिक्स होगी तो हम उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे यूर सेल्फ ओके अंकल आई शेल टेल डैडी वेन ही कम्स बैक मैं डैडी को बता दूंगा जैसे ही वो वापस आ जाएंगे आपको क्वेश्चन समझ आ गया आइए हम हम इसका आंसर लिखते हैं सबसे पहले हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया उसके बाद हमने फर्स्ट लाइन के मिडिल में वर्ड मैसेज लिखा ब्लॉक लेटर में नेक्स्ट लाइन लेफ्ट साइड हमें डेट लिखनी थी डेट हम वही लिखेंगे जिस दिन आप मैसेज लिख रहे हैं वही डेट यहाँ पर आ जाएगी यहाँ हमने 28 जुलाई 2020 लिखा है डेट लिखने के दो मेथड है एक तो यही जो आपका यहाँ लिखा गया है सेकंड मेथड है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जुलाई 28 एट कोमा सिर्फ ये दो मेथड ही है जिस से हमें डेट यहां पर लिखनी है उसके बाद हम टाइम लिखेंगे मैसेज का जो टाइम है जब जिस टाइम आप मैसेज लिख रहे हैं, वही टाइम यहां पर आ गया 3 पी उसके बाद आपने रिसीवर्स नेम लिखना था यहां पर और रिसीवर कौन है किसके लिए मैसेज लिख रहे हैं आप डैडी के लिए तो डैडी यहाँ पर रिसीवर है फिर आप लिखते हैं बॉडी ऑफ द मैसेज बॉडी ऑफ द मैसेज में थ्री टू फोर सेंटेंसेस आएंगे और जो इंफॉर्मेशन हमारी क्वेश्चन में है वही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर लिखने हैं मिस्टर गुप्ता कोल्ड अप टू टेल यू दैट द मीटिंग शेड्यूल फॉर ट्वेंटी नाइन जुलाई कैंसल्ड यही लिखा था मिस्टर गुप्ता ने कॉल किया था तो हमने लिख दिया मिस्टर गुप्ता कोल्ड अप टू टेल यू

कि उसने ये भी इन्फॉर्म करने के लिए बताया है कि आपको अपडेटेड शेड्यूल मीटिंग का बता दिया जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर नेम आ गया रजत रजत कौन है सेंडर यानि कि सेंडर कौन होता है जिसने मैसेज लिखा किसने लिखा जिसने फोन कॉल रिसीव किया था फोन कॉल रिसीव किसने किया था रजत ने किया था तो यहाँ पर किसका नाम आ गया सेंडर्स ने तो इस तरह से हमारा मैसेज कंप्लीट हो गया और अब हम बॉक्स को बंद कर देंगे और कितना इजीली हमने ये मैसेज लिख लिया और इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आई एम श्योर यू विल गेट फुल मार्क्स इन द मैसेज राइटिंग एक और मैसेज देख लेते हैं एक और सैंपल मैसेज Let's solve one more question. क्योंकि कभी-कभी सिंपल फॉर्म में भी मैसेज आ जाता है you are Sam Emily. आप हो हो या अर्जेंट मैटर आपको जल्दी से किसी अर्जेंट मैटर के लिए घर से बाहर जाना पड़ रहा है राइट अ मैसेज टू योर मदर फॉर्मिंग हाउ ऑफ योर टास्क आप अपनी मदर के लिए एक मैसेज लिखिए ताकि आप इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आपको जाना पड़ रहा है और उन्हें ये भी बताएं इंस्ट्रक्टिंग हर टू कलेक्ट अ पैकेज दैट इज़ सेट टू बी डिलीवर्ड बिफोर यूअर शेड्यूल रिटर्न आप मैसेज क्यों लिख रहे हैं क्योंकि आपका एक पैकेज आना है आपके आने से पहले वो पैकेज आ जाएगा इसीलिए आप मैसेज लिख रहे हैं अपनी मदर को ताकि वो वो पैकेज कलेक्ट कर पाएं आंसर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे सबसे पहले हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे उसके बाद मिडल ऑफ द फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे वर्ड मैसेज इन ब्लॉक लेटर सेकेंड लाइन लेफ्ट साइड आपने डेट लिख दी उसके बाद आपने टाइम लिखा जिस टाइम आप मैसेज लिख रहे हैं फिर सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन में आपको उनका नेम लिखना है जिसको आप मैसेज लिख रहे हैं वो कौन है मम्मी क्योंकि इनफॉर्म इनफॉर्मल है तो आप मॉम भी लिख सकते हैं उसके बाद आपने बॉडी ऑफ द मैसेज लिखनी है उसमें आप सीधा सीधा बताएंगे आई हैव टू गो टू द मार्केट टू गेट सम टूल्स फॉर अ प्रोजेक्ट मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट के टूल लेकर आने हैं आई वुड बी रिटर्निंग बाई सेवन पी एम मैं सात बजे तक वापस आ जाऊँगा इन दीन टाइम आई पैकेज कंटेनिंग अ कपल ऑफ बुक्स इज़ टू बी डिलीवर टू आवर होम बाई फाइव पी एम पाँच बजे कुछ बुक्स जो कि मैंने ऑर्डर की थी वो आने वाली हैं प्लीज़ कलेक्ट इट फॉर मी मम्मी प्लीज़ मेरे लिए वो कलेक्ट कर लेना अदरवाइज द पैकेज वुड भी सेंड बैक नहीं तो पैकेज को वापस भेज दिया जाएगा सैम नीचे नेम आ गया सैम यहाँ पर किसका नेम आता है जो मैसेज लिख रहा है तो मैसेज कौन लिख रहा है सैम इसके बाद हमने बॉक्स बंद कर दिया देखा कितना इजीली हम मैसेज को लिख पाते हैं वी हैव डन अवर मैसेज राइटिंग अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूं जो आपको हमेशा याद रखने हैं वाइल राइटिंग अ मैसेज फर्स्ट पॉइंट यू डू नॉट नीड टू राइट द सेंडर्स और रिसीवर्स एड्रेस मैसेज में आपको सेंडर या रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना होता सेकेंड रिसीवर्स नेम में बी रिटर्न एज अ सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन की जगह आप रिसीवर का नेम लिख सकते हैं यू शुड मैंशन द डेट एंड टाइम व्हेन द मैसेज वॉज रिटर्न आपको हमेशा मैसेज में डेट और टाइम मैंशन करना ज़रूरी है नेक्स्ट सेल्यूटेशन शुड बी ब्रीफ सेल्यूटेशन हमेशा ब्रीफ होनी चाहिए नेक्स्ट द मैसेज शुड ऑलवेज बी प्लेस इन अ बॉक्स जस्ट लाइक अ नोटिस नोटिस की तरह मैसेज को भी हमेशा बॉक्स में एनक्लोज करना है नेक्स्ट पॉइंट यू शुड ऑलवेज यूज इन डायरेक्ट स्पीच आपको मैसेज लिखते वक्त हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करना होता है क्यों क्योंकि आप किसी स्पीकर के वर्ड कोट करते हैं और जब भी आप स्पीकर के वर्ड लिखते हैं तो प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं इसलिए मैसेज इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है लास्ट पॉइंट यू कैन यूज एनी टेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन जहां तक टेंस की बात है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मैसेज राइटिंग सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट मैसेज राइटिंग आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड अंडरस्टूड द टॉपिक वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप वॉचिंग कीप लर्निंग स्टे होम स्टे सेफ